सर सॉलिड का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मिक्स किया जाता है शुगर सॉल्ट पर सॉल्ट पर जो छोटा सॉल्यूट होता है जिस चीज को मिक्स किया जाता है जो मिक्स होता है हरानु सक्सेना बेटा गेम खेल रहे हो सर नीचे क्यों बैठे हो यार कुछ तो गड़बड़ है ना लैपटॉप किसी नीचे करना एकदम फेस पे करके रखा करो जो तुम गेम खेल रहे हो ना बेटा समझ लेना कि कभी कुछ नहीं होगा पूरी जिंदगी में जो गेम खेल रहा है क्लासेस में सल्यूट का मतलब होता है जिसे मिलाया गया है या जो मिलाने के लिए लिया गया है या जो हमारे पास सब्सटेंस है या जिसकी मात्रा जनरली हम बोल सकते हैं कि कम होती है सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया गया है मैंने चीनी और पानी का घोल एक बनाया है या सोल्यूशन बनाया है तो जो सोल्यूशन बना है शरबत वो एक सोल्यूशन कहलाता है मतलब जो शरबत है वो सोल्यूशन है जो चीनी थी वो हमारा सोल्यूट है और जो हमारा पानी है वो क्या है सॉल्वेंट है सॉल्वेंट ठीक है चलो क्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड ब्रिक्स बिकॉज एक बच्चा बोलेगा भयानु सक्सेना बोलो बेटा द मोस्ट हाँ बोलो बोलो तो मैं बताऊं सार्थक सिंह को सुहा बताओ आराध्य बेटा हॉट सीट पे बैठे हो तुम सर क्वेश्चन क्या है यार तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट एंड ब्रिक्स या स्वेच्छा सिंह तोमर बेटा आगे के 10 क्वेश्चन तक आप लगातार बोलते जाना अब इसका भी वीडियो ऑफ हो गया अरे यार मतलब क्या चलता है तुम्हारे क्लास में अपर्णा मोदी बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलते जाना क्वेश्चन ओके सर उसके आंसर देते रहना सबके सब जिसको आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट सॉलिड एट रूम टेंपरेचर ट्रांसपेरेंट शाइन ब्राइटली व्हेन पॉलिश्ड ऑप्शन नंबर बी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट सॉलिड एट रूम टेंपरेचर ऑपेक एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली थिन फिल्म्स डू नॉट शाइन एट ऑल व्हेन पॉलिश्ड ऑप्शन नंबर सी bad conductors of electricity yes, and heat sir. Soiled at room temperature opaque except in extremely thin films option number d good conductors of electricity and heat soiled at room temperature opaque except in extremely thin films shine brightly when polished number d देखो बेटा एक बार बताएं जैसे अभी ऑप्शन नंबर ए है बी है और डी है इन तीनों ऑप्शन में गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर तुरंत बाद में ये कॉमन है ठीक है अब बैक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही नहीं है मेटल तो उसकी तो बात ही नहीं करनी मैंने इसी चैप्टर में बता दिया तो हमारा सी ऑप्शन जो पहले ही गलत है ए बी डी में कोई एक ऑप्शन सही है जिसमें दो दो टर्म स्टार्ट के पहले ही सही है तीसरा है ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते हैं मेटल ऑब्वियस सी बात है तो पहला ऑप्शन भी गलत है अब बी और डी बचा है बी और डी में ओपैक तो होगा ही और उसमें एक्सट्रीमली एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली थिन फिल्म्स डू नॉट शाइन एट ऑल व्हेन पॉलिश्ड और इसमें एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली थिन फिल्म्स और शाइन ब्राइटली व्हेन पॉलिश्ड तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है ओपैक तो होगा ही उसके साथ साथ कभी कभी छोटी फिल्म या पतली फिल्म बनेंगी तो वो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है अगर फिल्म बहुत छोटी हो तो ठीक है मतलब एकदम पतली से फिल्म बनाई जाए अगर मेटल को पीट करके तो वो ट्रांसपेरेंसी शो कर सकती है सर जितने भी मेटल्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो सारे कंडक्टर होते हैं यूजुअली सारे कंडक्टर होते हैं मेटल इसलिए क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं लेकिन अब उसमें भी कैटेगरीज हैं कौन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है कौन कम होता है अब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तो आपको पता नहीं है
कि मैं इलेक्ट्रॉन बताऊं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये मेटल जो होते हैं इनके पास क्या होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही इजी होता है इनके लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद चार्जेस आते हैं, और चार्जेस आने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इजी होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्टर कहलाते हैं। अब एजी आपका जैसे है सिल्वर, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ बुरे कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेटल्स लगभग कंडक्टर होते हैं सभी की। एल्युमिनियम कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर है, तभी तो घर में लाइट आती है। अगर एल्युमिनियम नहीं होता तो आपके घर तक बिजली पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन घरों में तो कॉपर वायर्स लगाए जाते हैं। हाँ, कॉपर वायर भी लगाए जाते हैं, एल्युमिनियम के वायर्स भी होते हैं पतले, एल्युमिनियम वायर भी यूज किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एल्युमिनियम के सस्ते आते हैं। हाँ अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ना, जल्दी पढ़ना अगला क्वेश्चन। अब पढ़ना होगी। मेटल्स लूज देयर शाइन ड्यू टू एक्शन ऑफ अदर मेटल, वाटर, एयर और बोथ बी एंड सी। वाटर और वाटर रिएक्शन करता है और एयर रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जंग लगती है और रसिंग होती है। रसिंग का होना या फिर जंग का लगना इसी वाटर और ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से ही होता है। अगर वाटर और ऑक्सीजन नहीं होते तो जंग नहीं लगती। कहते नहीं कि लोहे पे पानी मत डालो, या बारिश में जो अपने घर के दरवाजे को बाहर वाला जो दरवाजा होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि बाहर वाले दरवाजे को कोई लोहे का दरवाजा लगवाता है। ऑब्वियसली चोर की दिक्कत हो तो लगवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगवाने से सबसे ज्यादा जंग किसमें लगती है, जो घर के बाहर दरवाजा होता है, क्योंकि उसमें पानी आने के चांसेस, उसमें घर पे लगी हुई जो हमारे छतों पे ग्रिल लगी होती है, इसीलिए पेंट। अच्छा पेंट क्यों करते पता है? ताकि जंग नहीं लगे। तो क्या कोई कॉन्सेप्ट होगा या ऐसे? सर जिससे वो ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन ना हो पाए, ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला पढ़ना, जल्दी बढ़ो अगला। Wood is different from iron in transparency and luster, hardness and solubility, smoothness and solubility, hardness and luster. वुड और आयरन दोनों ही सॉल्युबल नहीं है, इसलिए मैं सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। जो चीजें दोनों में ही ना हो उस पर कोई बात करने लायक नहीं। ट्रांसपेरेंसी दोनों में ही नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे। हार्डनेस एंड सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी दोनों में नहीं है तो बात नहीं करेंगे। स्मूथनेस है लेकिन सॉल्युबिलिटी नहीं है तो बात नहीं करेंगे। हार्डनेस एंड लस्टर ये दोनों में पाया जा सकता है इसलिए इस पर बात कर सकते हैं। जो हमारा मेटल होता है ज्यादा लस्टरस होता है, और जो हमारा वुड होता है कम लस्टर होता है। हार्डनेस अगर आप देखोगे तो मेटल की हार्डनेस ज्यादा होती है, और एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन जैसे कि सोडियम पोटेशियम जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनकी बात नहीं करनी है, लेकिन जनरल बातें हम करते हैं तो जो हमारे मेटल होते हैं ज्यादा हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन पड़ेगी। हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट्स टू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस बिकॉज़ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर हॉलो, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर लस्टरस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस अलाउ लाइट टू पास, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर कलरलेस। ट्रांसपेरेंसी उस वजह से आती है क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर कलरलेस। क्या सर? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर कलरलेस। और सी क्यों नहीं? और सर लेकिन एट्स वाला भी तो, एट का डी भी तो हो सकता है। हाँ तो सी क्यों नहीं? सर मैं बताऊं, सर सी होना चाहिए ना सर, क्योंकि लाइट जब पास करेगा जब सर उस पे पास कर से कोई कलर नहीं होगा। तो करता है ना लाइट को पास करने में, और वो कलरलेस हो गया। नो सर, पर कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कलर भी होते हैं। उनका छोड़ो, चलो घूम।
बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें कोई कलरलेस पार्टिकल मतलब हमेशा कलरलेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर, हो सकता है। कोई एग्जांपल बताओ सर, जो बुक के साथ 3D गॉगल्स आते हैं ब्लू और रेड वाले, वो ट्रांसपेरेंट भी होते कलर। अरे अगर आपके आपकी जो हेडलाइट है, आपने कभी देखा होगा लाइट को, अगर आपकी जो घर में कई टाइप की लाइट्स होते, कई बार रंगीन लाइट्स आती है ना घर में, कलर्ड लाइट्स, चलो कलर्ड लाइट्स कैसे आपको कलर्ड बनाती है, कैसे उसको कलर्ड लाइट शो करती है, उसके ऊपर एक कलर्ड वो मटेरियल चढ़ा हुआ होता है, लाइट अंदर सबकी व्हाइट ही होती है, लाइट अंदर सबकी येलो ही होती है, तो लाइट से मतलब नहीं है, क्या उसके ऊपर मटेरियल है उससे मतलब है। वो अगर रेड मटेरियल लगा दोगे तो रेड लाइट स्प्रेड हो जाएगी, अगर आप ब्लू मटेरियल लगाओगे तो ब्लू लाइट स्प्रेड हो जाएगी। आपने घर में जो आपके वॉशरूम में या फिर कहीं LED लगी हो वो रेड लाइट या ब्लू लाइट वाली, उसको एक बार फोड़ देना आज, उसके बाद देखना घर पे कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट जो होती है ना, अभी तो नई वाली में तो अंदर लाइट ही का मतलब लाइट का रंग ही अलग होने लग गया है, नहीं पहले की लाइट्स ऐसी होती थी जो हमारे पास अरे तो नहीं जान पाएंगे ना, चुपके से बोल देना, आपके ऊपर हम बोलेंगे सर ने कहा था मम्मी तोड़ने के लिए, देख लेना फोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए, 10-5 रुपए में कोई दिक्कत नहीं होगी, फोड़ के देख लेना हो जाएगा प्रैक्टिकल। अंदर की लाइट बेटा सिमिलर होती है ऊपर की लाइट, कभी कभी आप देखते होंगे कि कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ता है, लाइट किसकी वजह से चेंज हो सकती है, अगर उस लाइट के ऊपर कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो कलर प्रॉपर्टी शो करे, तो उसका कलर अगर ट्रांसपेरेंट है तो क्या वो आपको उस कलर में लाइट नहीं दिखने लग जाएगी? यस सर, दिखने लग जाएगी। आपके घर में कभी शादियों में अगर देखा हो तो घर के बाहर बहुत सारी वो झालर या रंगीन लाइट्स लगी होती हैं, दीपावली पे देखा होगा, वो लाइट कैसे लगती है? हर लाइट रंगीन नहीं होती, उसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स में ऊपर पन्नी चढ़ी हुई होती है, ब्लू लाइट, ब्लू पन्नी, रेड पन्नी और वो ग्रीन पन्नी, वही उसी पन्नी की वजह से ही वो होता है, ग्रीन रेड और ब्लू में कन्वर्ट होता है, और अंदर जो लाइट होती है सारी की सारी येलो ही रहती है, होता है ना ऐसा? सर एक डाउट था, बोलो सर, जैसे आपने अभी कहा था कि ट्रांसपेरेंट कलर से होता है, पर सर कुछ ऐसे भी बल्ब होते हैं जिनका मतलब लाइट ही अलग होता है, तो वो कैसे होता है? तो होते हैं तो होते हैं, हमें तो एक जुगाड़ चाहिए था ना, एक ही तो ऑप्शन चाहिए हमारे पास, एक तुमने क्या बोला, कोई एग्जांपल बता दो सर। तो बेटा वो होते हैं तो उनकी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें क्या आप, अगर एक भी अगर हमारे पास ऑप्शन ऐसा क्रिएट हो रहा हो जहां पर लाइट की या फिर कलर लेस होने के बाद भी या कलर्ड होने के बाद भी वो ट्रांसपेरेंट हो, तो वही तो हम ढूंढ रहे हैं ना, कोई एग्जांपल यार। अरे यार डी ऑप्शन में तुम क्या ढूंढ रहे हो, कोई कलर भी हो ट्रांसपेरेंट भी हो, यही तो ढूंढ रहे हो ना? यस सर। बेटा एक्सेप्शंस का क्या कर रहे हो, अब मैं कहूं कि बच्चे टॉप करते हैं क्लास में तो वो टॉपर्स टॉपर कहलाते हैं, तो तुम कहोगे सर वो जो फिर तो वो कुछ टॉप नहीं भी करते हैं, तो बेटा नहीं करते हैं, उनका क्या करना है, टॉप करते हैं उनको टॉपर कहते हैं ना, जो बता रहा हूं वो तो समझो। yes, यार समझ में आया तुम लोगों की नहीं? सर आंसर की दी हुई है उसमें तो सर डी वाला ही आंसर है, मेरे अकॉर्डिंग डी नहीं हो सकता सर, सी है, सर डी भी होगा, सिल्वर कॉइन इन इट एंड लुक्ड द कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर, व्हाट कुड बी हर ऑब्जर्वेशन? Option number A, she could not see the coin properly because water is translucent. Option number B, she could see the coin clearly because water is opaque. Option number C, she could see the coin clearly because water is transparent. Option number D, she could not see the coin clearly because the coin is transparent. Sir, so option number C. She could see the coin clearly because the water is transparent. Yes. अथव कुमार, व्हाट इज द आंसर? सी सर, ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन ए। नो सर, सी। आराध्या, कौन सा ऑप्शन है? सर
सर ऑप्शन ए वाई सर क्योंकि वाटर ट्रांसल्यूसेंट होता है जब भी हम उससे कोई चीज देखते हैं तो उसकी थिकनेस जो लेयर होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है क्या यस सर जो उसकी लेयर होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है ये इसमें बेटा तो ऑप्शन ए में लिखा है सी कुड नॉट सी द कॉइन प्रॉपर्ली सर सी होना चाहिए ना वो जो वाटर जो ट्रांसपेरेंट होता है वाटर ट्रांसपेरेंट मतलब दिखाई पड़ता है लेयर उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताइए क्या सर ने सर ए ही होना चाहिए ऑप्शन तो कैसे ए ही होना चाहिए सर अगर वो सर बीकर है सर अगर वो सर मतलब सर अपैक हुआ तो सर बीकर अगर अपैक है पॉइंट पे जो बीकर तो हो ही नहीं सकता अपैक उसकी बात नहीं करते हैं फिर वो तो अलग से दिया गया होता ना क्वेश्चन में वो एक एक फिल्टर मतलब एक स्पीच में होगा वो एक क्लीन बीकर है उसके लिए दिया गया है वो मतलब क्लीन है ट्रांसपेरेंट है सर तो ट्रांसपेरेंट कॉइन देख सॉरी सर कॉइन देख पाएंगे ना वाटर भी ट्रांसपेरेंट है बीकर भी ट्रांसपेरेंट है तो कॉइन तो ग्रे रंग का होता है तो देख पाएंगे ऑब्वियसली देख पाएंगे लेकिन जो उस पे छोटा छोटा ईयर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो तो नहीं दिखेगा वो तो छोटा ये तो अभी ये उसके अंदर जाके तो ही ना देखना छोटी छोटी बातें आप करने लग जाते हो और अंदर जाके थोड़ी देखने कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं लिखे हुए उसके अंदर वो फूल बना है माला बना है वो पूछ रहा है कि अंदर कॉइन रखा है वो तुम्हें प्रॉपर्ली दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा कॉइन मतलब कितना बड़ा आकार है कितना साइज है वो तुम्हें विजिबल होगा कॉइन का कलर विजिबल होगा वो मतलब होता है अब यानी कि कॉइन के अंदर से दो डॉट लगा दें वो तो नहीं विजिबल होगा तो बेटा वो कैसे विजिबल होगा कॉइन इज ट्रांसपेरेंट ऑप्शन नंबर डी ही गलत है क्या कह रहे हो सर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है द कॉइन इज ट्रांसपेरेंट सी कुड नॉट सी द कॉइन क्लियरली बिकॉज द कॉइन इज ट्रांसपेरेंट बट कभी कॉइन ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता या फिर वो नकली होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ है अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो व्हाट वुड बी हर ऑब्जर्वेशन इज द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में सोचो यार ये तो इन्हें पूछ रहे कि क्या रॉन्ग ऑप्शन है बोल कौन रहा है बेटा मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन ध्यान से सुनो प्लीज एक मिनट सुनो मैं पढ़ता हूँ यार रुको यार लोकेश took a glass beaker and filled it with a clean water वो एक ग्लास बीकर लेता है और ग्लास बीकर मतलब ट्रांसपेरेंट पहले ही समझो उसको उसमें अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लिखा हुआ होता है पॉलिश्ड ग्लास बीकर तो पहले ही वो लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट है उसके बाद सी पुट एक सिल्वर कॉइन इन इट एंड लुक द कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन सी कुड नॉट सी द कॉइन प्रॉपर्ली बिकॉज वॉटर इज ट्रांसलूशेंट बेटा वो तो देख सकता है ना कॉइन को तो मैं क्यों बोलूं कि नहीं देख सकता वो सी कुड सी द कॉइन क्लियरली बिकॉज वाटर इज अपैक वाटर अपैक होता ही नहीं है सी कुड सी द कॉइन क्लियरली बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली एंड सी कुड नॉट सी द कॉइन क्लियरली बिकॉज द कॉइन इज ट्रांसपेरेंट कॉइन ट्रांसपेरेंट कहां से होता है जो तुम डी ऑप्शन को सही मान रहे हो टेंथ पढ़ो अभी We should choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which object is to be used. Based on this knowledge, Ankita made a few choices. Select the incorrect choice made by her. A window pane made up of glass to look through. A pan made up of steel to cook food. A bucket made up of plastic to fill water. A tumbler made up of cotton cloth to drink water. Study. ये तो इजी है. Question number one. Question number one से question number five कोई एक बच्चा पढ़ेगा. मैं. अभी क्या जाएं? प्रियंबड़ा सिंह तुमर स्वेच्छा सिंह तोमर क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर टेन तक पढ़ना ओके सर
सर व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्टील कंटेनिंग हॉट नो 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 एक्सरसाइज 3 दैट इज द जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप खुद से करके ले आओगे ओके सर और आपकी बार मैं बता रहा हूँ जब भी तुम्हें आना है कल आना है तो कल एटलीस्ट एक्सरसाइज नंबर 1 का पूरा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सबमिट करना है लिख के सबमिट करना है और अगर कल नहीं सबमिट कर पा रहे तो एक वीक का टाइम ले लो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है सारे एक रफ कॉपी में करके पेज पे उसको स्टेपलर मार के और सबमिट करना है 15 बच्चे हैं 15 को ही सबमिट करना जितने बच्चे 18 हैं 19 हैं 20 हैं सबको सबमिट करना पेज अकेला फाड़ कर सबमिट करना है A4 साइज A4 पेज साइज A4 साइज पेज जानते हो यस सुना है ना होता लेकिन पहले कर चुके हैं क्या वैसे क्या करना है बेटा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तीनों की एक्सरसाइज को क्वेश्चन जो भी हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे के सारे करके लाके ऑफिस में सबमिट करना है जो नहीं करेगा अगला टेस्ट नहीं दे पाएगा मैं पहले बोल दे रहा हूँ लेकिन मैं कल स्कूल नहीं सही से कोचिंग नहीं आया एक हफ्ते का टाइम है अगली क्लास में आना फ्राइडे वाली अगली फ्राइडे को अगर होगा तो आ जाना नहीं तो पापा से भिजवा देना अगले फ्राइडे को Okay. लेकिन वो तो हमने पहले ही किए थे कभी नहीं किए थे सर मैंने तो किए हैं मुझे नहीं पता मेरे को नहीं मिली है किसी ने किए नहीं है सबको करके और सबमिट करके जाना है पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर और नहीं करना है तो अगले चैप्टर में टेस्ट में नहीं बैठ पाओगे मैं गारंटी दे रहा हूँ मुझे मत कहना कि नहीं बैठ पाए सर सबकी सारी एक्सरसाइज सबकी सारी एक्सरसाइज 1 2 3 चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है और जिनको क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट करेंगे फोन करेंगे मैसेज करेंगे मेल करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन बात करेंगे और करेंगे क्वेश्चन सर आंसर अकेले लिखना है ना बेटा A4 में कर लो रफ में कर लो किसी में भी कर लो या रफ में कर लेना मुझे एक रफ खरीद के देना 20 रुपए वाली रफ खरीदना वो रफ में थोड़ा लिखोगे 10 पेज बाकी पेज मैं यूज कर लूंगा बाद में ठीक है मेरे रफ में काम आ जाएगी सर आंसर अकेले लिखना है ना या फिर क्वेश्चंस भी आंसर अकेले लिखना है और जो एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए सर राइटिंग अच्छा नहीं था इसलिए नहीं लेके आए लेके हर किसी को आना है और जिसका सबसे बढ़िया रहेगा उसको एक डार्क चॉकलेट फ्री में अब देख लेना मैं तो डार्क चॉकलेट ही देता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट सबके रीजंस लिखना है ना बेटा ऑब्जेक्टिव में जिसके प्रॉपर रीजन नहीं बनते मतलब छोटा क्वेश्चन है तो आप छोड़ देना लेकिन अगर बढ़िया क्वेश्चन है मैंने वो पहले किए थे तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा उनकी हमको फोटो नहीं चाहिए हमको हार्ड कॉपी चाहिए हमको हार्ड कॉपी में सबमिट चाहिए उसको स्टेपलर से मार के दे के जाना है 20 रुपए वाली रफ खरीदनी मेरे लिए 10 पेज छोड़ना है कि मैं भी कुछ कर लूं उसमें ठीक है और याद रखना इस बात को तो फिर वो कॉपी हम लोगों को मिलेगी वापस मैं वापस नहीं करूंगा मैं तुम्हारे पेज वापस कर दूंगा जो पेज हमारे लिखने लगा मैं यूज कर लूंगा सर पर अगर हमारे पास रफ रजिस्टर ऑलरेडी है अरे किसी में भी करके दे रहे ना मैं ऐसे बोल रहा हूँ चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ो अभी 1 नंबर से 10 नंबर तक मैं पढ़ू मैं सर फर्स्ट क्वेश्चन है स्मृति टू 4 बीकर्स कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर शी वांटेड टू चेक सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड्स लाइक शुगर सॉल्ट चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट शी एडेड द सॉलिड्स टू ईच बीकर स्टेट द कंटेंट्स एंड स्टिर एंड वेटेड फॉर सम टाइम व्हाट डिड शी ऑब्जर्व ए Sugar and chalk powder are soluble in water while salt and sawdust are insoluble. B. Sugar, salt and chalk powder are soluble in water while sawdust is insoluble. C. Sugar, salt, chalk powder and sawdust are soluble in water. Sugar and salt are soluble in water while chalk powder and sawdust are insoluble. D option. Sir, D. Sir, D. Sir, D. बेटा सुगर और जो सॉल्ट होते हैं वो दोनों डिसॉल्व हो सकते हैं वो सोलबलाइज हो सकते हैं उनकी सोलबिलिटी होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन जो हमारे चॉक पाउडर या डस्ट होती है वो इनसॉल्युबल रहती है वो हेटरोजीनियस मिक्सचर बनाती है मैंने बार बार होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करी है मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन के टॉपिक में
करी है या नहीं? करी है। क्वेश्चन नंबर टू। यस सर, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन वेन डायग्राम। ए एक्स इज वुड, बी वाई इज ग्लास, सी एक्स इज आयरन, डी बोथ बी एंड सी। सुमन, रमन एंड नेहा। रुको जरा, अभी तो ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ। एक मिनट दो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना क्लास में, हम भी तो कुछ करें अपनी कला का प्रदर्शन। सर ऑब्जेक्ट आपने तो बहुत सारे सर्कल बनाए हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी आर्ट थोड़ी कमजोर है। ये लस्टर हो गया, वेट लस्टर है, बीच में ये हार्ड है और ये है हमारा ट्रांसपेरेंट। कुछ बच्चे तो समझ नहीं रहे होंगे कि हो क्या रहा है इधर। देखो बेटा यहाँ पर सर आप वेन डायग्राम बना रहे हैं, सर आप बीच में हार्ड की लिखेंगे, सर आप उसके बगल में ट्रांसपेरेंट की क्वालिटीज लिखेंगे, और सर यहाँ पर आप प्लस होगा। सर आपको जहाँ पे आपने हार्ड लिखा है उधर एक्स लिखना है। यस सर, वो ऐसे बनना है, हार्ड लिखना है। अरे रुको यार, रुको, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। सर नीचे सर्कल जा रहे हैं ना, सर आप उन्हें बना दीजिए। सर एक बच्ची ने तो और भी बेकार बनाया आपसे। सर इट्स नॉट ओके। बन गया। सर अब परफेक्ट बना। लश्यर, हार्ड और ट्रांसपेरेंट। लेसर और हार्ड दोनों प्रॉपर्टी है एक्स के अंदर, और वाई के अंदर हार्ड और ट्रांसपेरेंसी दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, वाई जो है इसलिए ऐसे इसलिए लिखा गया, एक्स का मतलब इसके बीच में इसलिए है, इसके अंदर हार्ड की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि हार्ड इसके बगल से क्रॉस कर रहा है, और इसके अंदर लेसर की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि लेसर भी इसके बगल से क्रॉस कर रहा है और एक्स बीच में है। तो एक्स जो है वो लेसर भी है और हार्ड भी है, ये दो प्रॉपर्टी एक्स की है। वाई जो है वो हार्ड है यहाँ पर बीच में, इसलिए इसका इधर से क्रॉस कर रहा है हार्ड का, क्योंकि हार्ड का सर्कल बीच वाला है और ये वाला लेसर का सर्कल है, ये वाला लेसर का सर्कल है, ये हार्ड का सर्कल है और ये कौन सा सर्कल है, ट्रांसपेरेंसी का। तो ट्रांसपेरेंसी वाई के बगल से क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वाई में ट्रांसपेरेंसी भी है, तो हार्ड है और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी है। तो दो चीजें हैं, हार्ड और ट्रांसपेरेंसी वाई में और लेसर और हार्ड है एक्स में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो वाई तो हमारा ग्लास है, ये तो ध्यान में देना चाहिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है और साथ साथ हार्ड भी है, ग्लास होता है, और जो एक्स है वो लस्टरस भी है हार्ड, मतलब एक मेटल हो सकता है, तो पर इसमें मेटल में वुड और आयरन में से वुड बचा, अरे मेटल बचा, तो मेटल एक हमारा आयरन, तो इसलिए हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत है? मेटल ही लस्टर कैसे हुआ बेटा? मेटल अभी आज पता चला कि मेटल कैसे लस्टरस होता है, कब से बताता आ रहा हूँ मेटल लस्टरस होता है, खींच खींच के बताया, चार चार बार क्लास में डिस्कस हो चुका है। अगर काट दो तो अच्छा अच्छा दिखेगा। हाँ बिल्कुल। ओके चलो बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थ्री। सुमन, रमन एंड नेहा मिक्स्ड फ्यू लिक्विड्स विद वाटर एंड रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। विनेगर, सुमन नो, रमन यस, नेहा यस, ऑरेंज जूस यस, ऑरेंज जूस सुमन यस, रमन यस, नेहा यस, कोकोनट ऑयल सुमन क्रॉस, सुमंत नो, रमन नो, नेहा नो, कोल्ड ड्रिंक यस बाय सुमंत, रमन यस, नेहा यस, केरोसिन सुमंत एंड नेहा यस, रमन नो, विच ऑफ देम रिकॉर्डेड ऑल द ऑब्जर्वेशंस करेक्टली? रमन, सुमंत, वन ऑफ दीज। कोई क्वेश्चन समझाएगा? रमन, सर नेहा। कोई क्वेश्चन समझाएगा? नेहा सर बताओ। विनेगर वाटर में डिजोल्व होता है तो सुमंत का रिजल्ट आया नहीं, रमन का रिजल्ट आया हाँ, और नेहा का रिजल्ट आया यस।
उसके बाद ने ऑरेंज जूस का लिया, तो सुमंत का आया यस, रमन का आया यस, और नेहा का भी आया यस। उसके बाद उनने कोकोनट ऑयल लिया, तो सुमंत, रमन और नेहा तीनों का नहीं आया। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लिया तो तीनों का यस आया। उसके बाद केरोसिन लिया तो सुमंत और नेहा का यस आया और रमन का क्रॉस आया। किसका सही आया? सर नेहा। रमन, रमन, सर रमन बाद में गलती कर दी थी। क्या सर? केरोसिन वाले में नेहा ने गलती कर दी थी, रमन ने सही। केरोसिन में क्या गलती करी नेहा ने? सर केरोसिन उसको क्रॉस करना था। सर केरोसिन मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ने गलती करी है, सुमंत और नेहा ने। तो सर रमन से वो सर नेहा ने गलती कर दी थी, उसने क्रॉस कर दिया, जबकि सुमंत और नेहा ने कर दी थी। तो सुमंत और नेहा दोनों ने टिक कर दिया ना, मतलब उन्होंने डिसॉल्व कर दिया वाटर में उसको, तो गलत बात है ना वो। सर सुमंत ने विनेगर में किया, नेहा ने केरोसिन में किया। यस सर। ठीक है सर, चलो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता क्लासिफाइड डिफरेंट मटेरियल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर करेक्टली मैच्ड। सेट 1 स्पून, हार्ड स्पून, ओपेक बटर पेपर, फ्लोट्स इन वाटर, ग्लास ग्लास मार्बल। अंत गुप्ता, कैन यू टेल द आंसर? सेकंड आई, नो 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 वन एल्स। यस सिवांस गुप्ता। यस सर, प्लीज ऑन योर वीडियो। Yes, sir. तुम वीडियो ऑफ करके बैठे हो? क्लास स्टार्ट हुई तब से है। गजब आदमी है यार। सर फोर्थ का ए होगा, सर सेकंड एंड फोर्थ। यस सर, यस सर। कैसे जवान गुप्ता, कैन यू एक्सप्लेन? स्पंज हार्ड नहीं होता है सर, बटर पेपर ओपेक नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट होता, फ्लोट्स इन वाटर सर, ये ग्लास और मार्बल नहीं होते हैं ये सर, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर सर, ये हनी का भी गलत है सर, ये सॉल्युबल है सर, तो ये इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला। सर सेकंड सर स्पीड होता है। यस सर, सर ए आंसर इसलिए क्योंकि जो स्टील होता है वो हार्ड होता है एकदम, और जो वुडन बोर्ड होता है वो ओपेक होता है, उसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं, और आइस वाटर पे फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग होती है। उसके ये थर्ड क्यों गलत है? थर्ड में सर आयरन नेल तो हार्ड होता है, ग्लास ओपेक नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है चलो, पहला क्यों गलत है? सर क्योंकि जो स्पंज होता है वो तो हार्ड होता नहीं है, बटर पेपर ओपेक नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि थोड़ी सी लाइट आता है, ग्लास मार्बल होता है वो तो वाटर में डूब जाता है, और हनी, हनी सर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब जगह जगह गलती कर दी। यस सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, श्रेया मेड अ कप ऑफ 40 एंड पुट अ मेटल स्पून इन द कप सो दैट द टी वुड कूल डाउन फास्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कूलिंग ऑफ टी फास्टर? ए द मेटल स्पून एब्जॉर्ब्स द कोल्डनेस इन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ट्रांसफर्स द कोल्डनेस टू हॉट टी। बी the metal spoon absorb heat from the hot tea and transfer the heat to surroundings. C the metal spoon absorbs heat from the cup and transfers the heat to the surroundings. D none of these. सभी देखो भैया, बात ये है कि एक हमारे पास क्या था, थोड़ा हमें भी दिखाने दो, तो ये क्या था, एक ग्लास था या जो भी था, इसके अंदर कुछ, चलो कप ही था, तो कप में कुछ हॉट टी डाला हुआ था,
ठीक है। अब यहाँ पर जो भी था इसका सरफेस भी हॉट हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस के कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में जो भी सरफेस है उतना ही टेम्परेचर उसका भी है, तो वहां पे कोई फर्क वो नहीं डाल रहा होता है। लेकिन फिर भी अब जब आप गर्म चाय को सीधे आप डालते हो ना, आप कभी देखते हो कि आप कप में निकाल के रखो चाय तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि उसी बर्तन में चाय रखे रहो जिसमें बनाया है तो वो थोड़ी देर तक गर्म रहती है, होता है ऐसा? Yes, sir, क्योंकि जो मटेरियल में जिसने बनाई जाती है वो सब गर्म हो जाता है। Obviously, वो भी गर्म रहता है तो वहां पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप डालते हो किसी कप में, कप सोचता है हम तो कम गर्म तुम ज्यादा गर्म, तो हम भी तुमसे हीट ले लिए। और अगर हीट लेने के लिए बगल से कप तैयार है तो ऑब्वियसली इसके अंदर से हीट थोड़ा थोड़ा इस कप की बॉडी में जाएगा, और कप की बॉडी में जाएगा तो कप की बॉडी और इसके बीच में क्या होगा, हीट का क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक हीट का बैलेंस पॉइंट एस्टेब्लिश होगा, जिसमें कि चाय और कप की जो बॉडी है उसके बीच, दोनों के बीच में टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 एटमोसफेयर में जो एयर आती रहेगी उसकी वजह से ये ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा आपका चाय। लेकिन अगर आपने गर्म चाय ली और तुरंत उसमें एक मेटल बॉडी का एक चम्मच डाल दिया तो क्या होगा, मेटल तो भैया ठंडा था, वो क्या करेगा तुरंत, क्या करेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? गर्म हो जाएगा और फिर गर्म हो जाएगा और वो चाय को और गर्म देगा। वो चाय से जो एनर्जी चाय के पास है या हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद के पास नहीं है एनर्जी। यस, तो यही चीज होती है जब हम लोग, अब यार तुम अगर पैसे नहीं है, तुम अगर कहीं बैंक में कूद गए और उसके बाद जब तुम देख रहे हो कि चारों तरफ पैसा पैसा, पहले पैसा लेने की कोशिश करोगे ना, उसके बाद ही तो आगे चल के काम करोगे, मतलब जो चीज की कमी है पहले तो वही पूरा करोगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आपने इसका एग्जांपल भी दिया था क्लास में, ठीक है एग्जांपल मान लो भूल भी गए हो लेकिन याद तो, ये तो पता है ना कि मतलब अगर आप मेटल बॉडी डालोगे किसी कप के अंदर तो अगर कप में मेटल बॉडी जाएगी उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, तो वो भी चाहेगा कि मेरा भी तुम्हारे बराबर हो। अब एक ही जब एक ही जगह पे हम हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेंगे जब रहेंगे, और उसके पीछे एक रीजन होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का या हीट का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से वो होता है। लेकिन फिर भी चलो अगर इतना डीप ना भी जाओ तो इतना समझ जाना कि वो हीट का ट्रांसफर कर देगा खुद के अंदर से वो मेटल बॉडी में, और मेटल बॉडी क्या करेगा एटमोसफेयर को दे देगा, क्योंकि मेटल बॉडी एटमोसफेयर से लगा हुआ है, जो हमारा मेटल बॉडी है स्पून का। अगला क्वेश्चन। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आरती गुप्ता कौन है? कौन? आरती गुप्ता, द इमर्जिंग स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। सर शिवांश गुप्ता। शिवांश गुप्ता इज अ चीटर। है क्यों? अरे यार तुम वीडियो ऑफ करके बैठते हो, कैसे मान ले हम कि तुम अच्छे हो? बोल लिया। सर क्वेश्चन नंबर सिक्स, और किसी के बारे में पूछना है बता दूं? सर मेरे बारे में, स्वेच्छा सिंह तोमर इज अ गुड स्टूडेंट। सर मेरे बारे में बता, मतलब स्वेच्छा सिंह तोमर ने बहुत लेट ज्वाइन किया, उसके बाद भी सी डिड वेल एंड आई लाइक इट कि उसने काम किया, तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वरालिका मिश्रा इज चीटिंग विद हर मम्मा। मेरा कौन? दिव्या शर्मा। सर अथर्व कुमार। नो सर, अपर्णा मोदी। अपर्णा मोदी इज नॉट बेटर देन हर सिस्टर। अथर्व कुमार सर मेरा सर, अथर्व इज गुड स्टूडेंट। अगर मैं सर दिव्या का होमवर्क क्या, अगर मैं 1 2 3 चैप्टर के एक्सरसाइज में अगले हफ्ते दे दूं तो? बेटा अगर उसको किसी ने दे दिया, अगर जिसने दे दिया और जिसका सबसे अच्छा निकल गया, मैं तो समझूंगा कि वो डार्क चॉकलेट का एक हकदार भी बन जाएगा। और सर मैं सर मैं कैसे कौन सर, मैं सर दिव्या दे दूं पहले तो मैं कैसा हूँ? तुमने तो हमारे बारे में गलत बातें फैलाई, तुमने हमारे बारे में तो गलत बातें फैलाई। हम डार्क आपको फिजिक्स वाले सर ने बता दिया उल्टी सीधी बातें। सर हमने गलत विश्वास करते, ये बताया उन्होंने कि ये वो कोई है, किसका नाम बताया था, किसी का नाम बताया था सर ने, दिव्या शर्मा। हाँ दिव्या, याद दिलाया
सर ने बताया ऑफलाइन क्लास में और किसी को पूछना है किसी के बारे में बता दूं सर मैं चीटिंग कैसे की थी आप ये बताना कौन सर आपकी सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया है सर कौन यही तो बताती है ना अपने स्टूडेंट को ऐसे बोल कौन बोल रहा है सर वरालिका चीटिंग नहीं किया कोई बात नहीं अच्छा है हमने तो आपका मिशन सक्सेसफुल किया था वर्कशॉप में क्या मिशन सक्सेसफुल कर दिया बगल वाले हाँ वो लोग अच्छे लगे जिन्होंने जिनकी जिनकी रैकेट छत पे नहीं गिरी ऑब्वियसली वो अच्छे हैं उन्होंने खुद का नुकसान नहीं किया हमारे दोनों रॉकेट गए थे चलो बढ़िया कल तो मिल रहे हैं सभी फिर से जिसके डाउट है वही आना और डाउट अगर किसी को क्वालिटी पूछना है तो क्वालिटी भी पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जिसको जिसको बहुत ज्यादा डाउट बेटा जो क्वेश्चन रीजन लिखने लायक है उनके लिखने जिन नहीं लायक है उसके उसको नहीं लिखने भैया जो जिस वैल्यू लायक हो उसको वही वैल्यू देनी चाहिए बहुत ज्यादा नहीं जैसे तुम्हारे बारे में हमने जो दिए वही दिए जो तुम हो सर मैं नेक्स्ट वीक दे सकता हूँ सार्थक से हाँ नेक्स्ट वीक दे दो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट वीक दे के जाना ठीक है मेरा हार्ड लेक्चर है एक्सक्यूज नहीं यार मतलब ऐसे बोलते हो नेक्स्ट वीक आएंगे वो सर मेरा है अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है फिर ऑल द बेस्ट ये क्वेश्चन करना इसके इसमें 10-15 क्वेश्चन बच रहे हैं वो कर लेना अगर कोई क्वेश्चन ना है तो मेरे को बताना मैं फिर से बता दूंगा इसको ठीक है और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे बहुत इजी चैप्टर था कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है अगर होनी होती है तो मुझे बताना मुझे कॉल कर लेना मैसेज कर लेना मेल कर लेना फैक्स कर लेना इंस्टा पे भेज देना कहीं भेज देना ठीक है सर पर केमिस्ट्री में फिजिक्स कौन से आ गया ये सर फिजिक्स में भी तो मैथ्स सर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री आया फिजिक्स में केमिस्ट्री आई केमिस्ट्री फिजिक्स आई केमिस्ट्री में मैथ्स आई कि मैथ्स में केमिस्ट्री आई मैथ्स में फिजिक्स आया मैथ्स में एक बात तुम बताओ फिजिक्स की भाषा को या फिजिक्स के चैप्टर को इंग्लिश में क्यों लिखा गया इसको फिजिक्स में क्यों नहीं लिखा गया अब बताओ इंग्लिश में क्यों लिखा गया फिजिक्स की कोई भाषा होनी चाहिए फिर तो तुम बहुत गड़बड़ कर दोगे यार केमिस्ट्री की भाषा होती तो है चलो ठीक है फिर क्लास